咧。आइए, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे, यस प्रेस होंगे। भाजी आज है दिन हमारे पास 27 का और दिन है हमारे पास मंडे का। हाँ, तारीख जो है वो हमारे पास 27 की है और दिन जो है हमारे पास मंडे का है। तो अभी भी मैं उठा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। अम्मी जान ने बोल दी, पुत्र अंडे ले आया, अंडे। मैं तो लै आया जी, और दसो और कोई हुक्म साढ़े लैक। हाय हाय, तो भी मैं अंडे लेने जा रहा हूँ। ये मेरे मोहल्ले की पहली गली, डॉग जुमा की पहली गली। कौन सी स्ट्रीट उसको कहते हैं जी? यूसुफ शहीद स्ट्रीट। ये मैं इधर अंडे लेने जा रहा हूँ कामी नोमी की दुकान से। दूध दही की दुकान है तो क्या नाचो मैं? ते बाकी कोई चक्कर पाट नहीं है, बाकी आप जड़ा है ना कर करा ले सा। हाँ फिट है ना। मैं अंडे लैन आया जी दुकान से। हाँ इक्के तक नहीं मरना, तेरे को डर नहीं लगता? विचानी जी डड़ा भी 20 रुपए दे सबल ते नहीं आ। ए सुन ले, ए भाजी तेरे बच्चे बुरा नहीं है। मैं ते अंडे लेने आया, अंडे 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 क्यों जी मां जी अंडे दे। तो हम क्या चलते हैं, सारी गल नाश्ता नुश्ता मारना, पेट ही बड़े सख्त बड़ी। हाँ हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो तुसी भी जड़ा है ना खान पीन का ख्याल रखो, ते सख्त बड़ी गर्मी है, ते अपना भी बहुत सारा ख्याल रखो। ये सारे मामला मैं निपटा लूँ खान पीन के। क्या बोला तूने? तो फिर मैं आपको अपनी शक्ल दिखाता हूँ। हाँ जी तो भाई जी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया और मामला दरअसल ये है ना कि मेरे इस हफ्ते से पेपर शुरू हो गए हैं और अब मैंने थोड़ी पेपरों की तैयारी करनी है क्योंकि पहली सी बात। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। पास तो होना ना यार, ये मैंने अब मामलात रख लिए अपने सामने, अब हिम्मत करते हैं और इसको तैयारी को शुरू करते हैं। जिसको भी कोर्स हैं और उनको देखते हैं ताकि जो है, क्योंकि ये वीक हफ्ता जो है पूरा मेरे पेपर्स हैं। अब मुझे डेट शीट भी नहीं पता कि कब पेपर हैं क्या पेपर हैं, तो मैं तो संगियों यारों को कहता हूँ कि ये बताओ कि क्या सीन पार्ट है और क्या मामलात हैं। तो मैं अब थोड़ी सी जो है स्टडी वगैरह कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी मामलात होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जी तो गाइस आपका भाई अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई की मैंने क्योंकि पेपर है मेरा, और अभी मैं नहा धो के जो है फारग हुआ हूँ क्योंकि नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मैं थोड़ा कंगी शंगी कर लूँ तो नमाज़ पढ़ने जाते हैं। एक हमारी मस्जिद मेन पे है और एक पीछे है यानी गली में। तो लेट्स सी कि हमने कहाँ जाना है। दोनों ही मस्जिद हैं, दोनों ही अलग घर हैं, तो कभी शुरू कर तो करना। हाँ जी कंगी शंगी कर ली भाई जी, कंगी शंगी चेक करो, पाशा बन गई और अभी हम जा रहे हैं मस्जिद नमाज पढ़ने जोहर की। टाइम हो रहा है 1:47 का। तो इधर पौने दो मेन में जो मस्जिद है वहाँ पौने दो जमात होती और जो पीछे मस्जिद है वहाँ मेरा ख्याल है दो भी होती, कब होती आई डोंट नो। गर्मी है, सुनसान है माहौल। ये हमारी 70 खड़ी हुई है, वो भी हमारी गड्डी खड़ी हुई है, एफएक्स कल्टस नहीं एफएक्स।
और वो एक सेवेंटी खड़ी हुई है, वो भी अपनी है। और ये हमारी बॉस खड़ी हुई है, बॉस जा रहे हैं नमाज पढ़ने हम, तो नमाज पढ़ा करें, आप भी पढ़ा करें, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ा करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और ये हमारा मल्ला, ये वहाँ से मैं आया, वहाँ से मैं आ रहा हूँ और यहाँ मैं जा रहा हूँ। ये हमारा मल्ले का प्लाट, यहाँ पे लोंडे लपाटे लोफर लफंगे रात को शाम को यहाँ खड़े होते हैं। और ये हमारी डॉग जुमे की गली, मेन गली जिसे हम कहते हैं। और हम अब जा रहे हैं नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर रोटी छोटी खाएंगे, फिर जो है वो पढ़ाई वगैरह करेंगे थोड़ी सी। फिर शाम को अभी दोस्त ने कॉल की कि भाई जी मिलना है, मैंने कहा भाई जी गर्मी सख्त है, आई एम नॉट वेल, कैसे हो, ठीक हो? अभी हम जा रहे हैं ये मस्जिद, तो शाम को भी हम उधर जाएंगे, लेकिन पहले पढ़ाई वगैरह करेंगे, रोटी छोटी खाएंगे, सारा रेस्ट करेंगे। ठीक है जी, नमाज तो पढ़नी पड़ी हर सूरत, किसी सूरत नमाज नहीं छोड़नी मैंने। आप भी पढ़ा करें, आपको भी कहता हूँ नमाज पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी करें, नमाज कायम करें। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट ये अच्छी बात है कि आप नमाज पढ़ें। इधर एक गली है और इस जगह पे मेरा एक संगी है, उसका प्लाट है। ये लोगों ने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, आओ नमाज पढ़ें। ये मदरसा आ गया जी, मस्जिद भी है मदरसा भी है, और हम इधर अभी आ गए हैं, नमाज पढ़ते हैं इधर। A few moments later. हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने तौफीक दी, नमाज पढ़ ली मैंने जोहर की, माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। जोहर की नमाज पढ़ के अभी मैं अभी बाहर आया मस्जिद से, और अभी मैं घर को रवाना हूँ, क्योंकि अब भूख लगी हुई है, भूख लगी है, मैंने भूख लगी हुई है, खाना खाएंगे और उसके बाद स्टडी वगैरह करेंगे घंटा डेढ़ सौ के। उसके बाद शाम को जो है ना वो एक मिलना है एक बंदे से, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, दोस्त है मेरा, आप क्या समझ रहे थे, दोस्त है मेरा, उससे मिलना है, तो उस वो दिखाएंगे हम आपको कि वो दोस्त कौन है मेरा। तो शाम को भी बहुत सख्त धूप है, धूप का इतना सख्त आलम है ना, तो आप भी नमाज पढ़ा करें, नमाज एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं वैसे नमाज़ें पढ़ता तो हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो वीलॉग में, तो मेरे काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं यार डेली वीलॉगिंग कर, मैं कह यार डेली नहीं होती वीलॉगिंग। बेटा कैसे हो, ठीक हो ना, डेली वीलॉगिंग कर, तो डेली वीलॉगिंग नहीं होती, ये भी खड़ा हुआ है, क्या हाल है, ठीक हो, हंस रहे हो यार, अजीब अजीब हो। अच्छा, मैंने कहा भाई जी नहीं होती डेली वीलॉगिंग, कौन करे, एडिट करे, डेली वीलॉगिंग वो करे जो बहुत ही वेला हो। तो अभी हम घर जा रहे हैं यार, घर जा के आपको बताते हैं। ठीक है जी, बैक टू होम जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, हम बैक टू होम जा रहे हैं जी। इधर मेरे कज़न का घर है, मेरे संगी का घर है, तो अभी हम जा रहे हैं। A few moments later. हाँ जी, तो हम अपने घर पहुंच चुके हैं, हमारा कार है, हमारा कार है, ए ए ए कार है, हमारा कार है, मैं कार पहुंच आया हूं। चलो जी अंदर आ गए, अम्मा मैंने रोटी दे, कोई तरीका है भीख मांगने का, तो हम खाना शाना खा लें, उसके बाद हम आपको शाम को मिलते हैं। अम्मी मैंने रोटी दे। 3 hours later. हाँ जी, तो मगरब, सॉरी
असर हो चुकी है, नमाज मैंने असर की पढ़ी और अभी लोड शेडिंग हो, लोड शेडिंग इतना कोई हरामी है ना, इन्होंने लोड शेडिंग की भी है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, और ये लोड शेडिंग हो गई और अभी मैंने अपने संगी के पास जाना है। मैंने बताया था आपको कि मैं संगी के पास जाना है। ये मेरे मामे का मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, एंड्रॉइड, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है नवा सैंडी शिकरा। तो अभी हम जाएंगे जी उसके पास, संगी के पास, तो उधर हम जाते हैं आपको देख सकते हैं। तक नवा मैं ब्लॉग कर रहे हैं, और ये हमारे किधर के, ये हमारे मामू आए गए, मामू ये हमारे मामू हैं, ये हमारे बहुत प्यारे मामू हैं। कैसे हैं मामू, ठीक है? लव यू मामू। भी क्या पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैं मोटरसाइकिल की चाबी नप लवा, फिर मैं जाता उसके कोल, मोटरसाइकिल की चाबी मैं नप लवा। चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है? ये जी चाबी ले ली हमने, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और चलते हैं जी। जा रहा हूँ मैं। चल, तो वहां पहुंच के मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी बूथी, कौन सी शक्ल मुझे मिलने आई है। A few moments later. मैं आ गया हूँ, और जिसको आप बता रहा था, ये जी जिस दोस्त से मैं मिलने आया हूँ, पता नहीं क्यों क्यों छुप रहा है, या लड़की है या पता नहीं, इसको अपने आप पे शक है। ये बढ़िया था गुरु। सलमान भाई देख लो, सिर्फ एक नज़र देख लो, मेरे व्यूवर्स को देख, ठीक है? ये इसको मैं मिलने आया हूँ, ठीक है? बहुत शर्मिला सा, शाय सा ये, अब इधर ये सलमान भाई है हमारे। बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। अभी हम गपशप लगाते हैं जी, तो हम बैठ चुके हैं जी अब सलमान भाई से मिलने। ये मेरा दोस्त है जिससे मैं मिलने आया था। गाइस देखें, ये मेरा दोस्त है सलमान। क्या बेवकूफी कर रहा है यार तू, अच्छी अच्छी बातें नहीं कर सकता? नहीं भाई, अच्छी बातें नहीं। इधर देखो, कैमरे की तरफ देख के बोलो। शीशा देखने का नहीं बोला, कैमरा देखने का बोला जी। तो यार इस लड़के से मिलने आया था, पर आज तेरी वीडियो ऐसे ही खराब होगी, इधर आज ब्लॉग आता जाएगा, मैं काट दूंगा। अल्लाह जान है, बोल के आना हमका। अच्छा तो गाइस, जहाँ मैं इससे मिलने आया था, गाइस एंड करने देना, मेहरबानी तेरी, एंड करने दे, फिर मैं बोल के आता हूँ। बिजूंगा लग रही है क्या? फिर मैं नीचे जब तक जा रहा हूँ। तो क्या आई ना, सो क्या आई, तूने नहीं पीना कुछ, तूने नहीं? मैं हाँ, बहुत लंबे अरसे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं इधर आया हूँ, ठीक है? और इस रामी से मिलने आया हूँ, मैं रामी से मिलने आया हूँ मैं। तो गाइज, मेरा जो आज की जो व्लॉग था वो मैं यहाँ एंड करता हूँ, उसके बाद क्योंकि पहली बात है यहाँ बैठे हैं, गपशप लगेगी, मगरब हो जाएगी और उसकी वजह से जो है अंधेरा पड़ जाएगा। तो मैं व्लॉग यहाँ आप एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।